सो वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज। मेरा नाम है महबूब खान और आप लोग देख रहे हैं मेरा महबूब खान ब्लॉग्स वाला चैनल। तो आज हम आपके सामने लेके आए हैं कुरारकुम ब्रिज, जो बरपेटा डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा ब्रिज है। सबसे लंबा ब्रिज इसको माना जा रहा है और ये ब्रिज आपका बेकी नदी के ऊपर में बनाया गया है। तो इस ब्रिज का लेंथ जो है वो 800 मीटर लंबा है। और अभी ब्रिज में ऊपर में हम लोग इसलिए आए हुए हैं क्योंकि यहाँ पे लोगों की जो तादाद है बहुत बढ़ चुकी है फ्लड के कारण। बहुत लोग अपने घरों से ब्रिज के ऊपर आके नदी का बहाव, जो पानी का जो बहाव है, वो बहाव देखने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। मैं दिखा सकता हूँ आपको, कुछ इस तरह से यहाँ पे अफेक्टेड हो चुका है फ्लड का। वहाँ पे आप देख सकते हो कितने सारे ब्लू, रेड, ऑरेंज, येलो टाइप के, मतलब मिक्स तंबू बना के वो लोग रह रहे हैं। वो खुद रह रहे हैं, वो अपने भेड़ बकरियों को रख रहे हैं वहाँ पे, उनका खाना पीना वहीं पे चल रहा है एंड उनका नहाना धोहाना भी वहीं पे हो रहा है। तो ऐसे टाइम पे मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट को इस टाइप के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करना चाहिए। बहुत जगह पर हेल्प हो भी रहा है, रिलीफ दिए जा रहे हैं, लेकिन बहुत ऐसे जगह भी है जहाँ पर रिलीफ का कोई बात ही नहीं हो रहा है। वो रिलीफ होती क्या चीज़ है वो आज तक देखे ही नहीं। सो, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, पानी जिस लेवल पे रहना चाहिए था नॉर्मली, उससे काफ़ी हाइट में आ चुका है। इस पानी के हाइट होने जाने के कारण लोगों की तादाद बहुत बढ़ गई है अफेक्टेड में। जो लोग अपने घर बार छोड़ के अभी रोड साइड में, जहाँ पर आपका हिल टॉप एरिया है, जैसे थोड़ा सा ऊँची जगह है, वहाँ पर अपना शेल्टर ले रहे हैं, बहुत लोगों को इफेक्ट कर चुका है। बहुत ऐसे लोग हैं जो रिवर व्यू साइड घर बनाते थे, जिनका घर आज बहुत ज़्यादा ही डूब चुका है। वो अपने घर पे नहीं रह पा रहे, वो अपने घर का शेल्टर कहीं और ले रहे हैं और वो अपना घर छोड़ के दूर दूर में रहना उनको पड़ रहा है फिलहाल। तो हम लोग ने जितना मस्ती करना था कर लिया। ये है मेरे साथ का आशिम और ये है शहीदुल। तो ये हम लोग का एक छोटा सा टीम है और हमारा कैमरामैन, जिसको आप देख नहीं पा रहे फिलहाल, ही इज़ द मोस्ट इंटरेस्टेड पर्सन इन दिस वर्ल्ड। मतलब ऐसा उसकी माँ ने भी उसको नहीं बोला होगा, समझ रहे हो? मतलब इतना इंटरेस्टिंग पर्सन उसकी मम्मी ने भी उसको नहीं बोला। तो होप यू एंजॉय दिस वीडियो, आप लोग को मज़ा आया होगा। और आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते, तब तक के लिए मेरा ये कहना है कि जितना देखना था इस वीडियो में आप लोगों ने देख लिया यहाँ पर नज़ारा। अभी आगे का नज़ारा हम लोग अगले वीडियो में किसी और प्लेस में, कुछ अच्छा सा प्लेस जहाँ पे हम लोग आपको नया नज़ारा दिखाएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो पे।